गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सोलो राइड पे। आज कल फ्री नहीं है और आज है फ्राइडे, तो हम लोग जा रहे हैं सोलो राइड पे। तो देखते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। और सनसेट अभी तक हुआ नहीं है, इवनिंग के 5:15 हुए हैं, तो कम्प्लीटली सेट नहीं हुआ है सन अभी तक। अभी हमको जाने का है पेट्रोल पंप फ्यूल अप करने का है। तो पेट्रोल अभी एक ही कंडी है खाली, मैं रिच नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिधर भी जाता हूँ तो फ्यूल भर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं भरूँगा, थोड़े से फ्यूल में जाके आएंगे, ऐसे ही शॉर्ट राइड करेंगे आज। ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस, मैं बनाते जाऊँगा, अपना धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, तो कंसिस्टेंसी भी बढ़ा चुका था। अभी थोड़ी बीच में कम हो गई थी, यूनिट टेस्ट के पेपर्स कर रहे थे यूपी, तो मेरे को रीज़न देने को भी अच्छा नहीं लगता है। यूनिट टेस्ट चालू थी मेरी और पेपर्स अभी हो चुके हैं, तो सोचे राइड करके आते छोटा सा सोलो में। तो ग्रुप में तो हम लोग संडे को ही सब लोग फ्री रहते हैं, सैटरडे संडे, बहुत दिनों से ग्रुप राइड भी नहीं आई है। टाइम हो रहा है 5:20, देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है पेट्रोल पंप पे आज चुके हैं पेट्रोल भरने के बाद में। तो गाइस पेट्रोल भरा दिया है, अभी पहले 1 काटी थी, अभी 2 काटी हो चुका है पेट्रोल। तो अभी ग्लव्स पहनते और फिर निकल के राइड के लिए। आज जैकेट नहीं लिया है, पास में ही जा रहा हूँ उसके लिए, और जैकेट वॉश भी कराने का है, 2 राइड कर चुका हूँ जैकेट के ऊपर, तो वॉश कराने का है। दिवाली भी पास में आ रहा है, तो दिवाली में भी एक लंबा प्लान करने का अपने को राइड का, छुट्टी में दिवाली के, तो वो भी देखते पॉसिबल होता है क्या। अभी प्लानिंग तो बहुत है वैसे, अभी इम्प्लीमेंट करने का है, और सन सेट होने का पहले अपने को कुछ नहीं करता था हिल टॉप से, बहुत ही अच्छी लोकेशन है उधर से। मैंने कभी टाइम लैप्स नहीं ली है, लेकिन मैं लॉकडाउन के पहले गया था, फिर उसके बाद मेरे को फ्रैक्चर हो गया, फिर मैं फ्रैक्चर के इसमें था। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो नेवाली का पहाड़ है, और वो जो सामने दिख रहा है वो माथेरा नदी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेवाली, इतना जल्दी में रिटर्न आने का है मुझे, 6:30 या 7 o'clock तक रिटर्न आने का है। नियरेस्ट लोकेशन मुझे यही लगाने वाली, और एक नियरेस्ट लोकेशन है जो कि मैं बाद में रिवील करूँगा, उधर भी हम लोग जाएंगे। वाओ मुझे सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में कि कौन से टायर के लिए मैं जाऊँ, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, और ऊपर से मेरा बजट के ऊपर टायर डिपेंड है, क्योंकि अपना रनिंग भी बहुत, ऑफ रोडिंग भी है, ऑन रोडिंग भी है, बहुत कुछ है, तो उसके ऊपर टायर डिपेंड है। स्पेशली मेरे को ऑफ रोड नहीं चाहिए था टायर। ये टनल है, तो ये ऊपर जो दिख रहा है आपको टनल, ये मतलब ये जो ऊपर से जो रोड जाता है, ये यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस हाईवे है, और ये सीधा पूना में जाके ख़त्म होता है यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस हाईवे। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना गाइस, तो उसके ऊपर हमको जाने का है पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ के पूरा ऊपर बाइक जाती है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे किधर तक जा सकते हैं, और उधर तक जाएंगे, शूट करेंगे, फोटो शूट करेंगे थोड़ा। तो गाइस अपने को ऊपर जाने का है माउंटेन के पास, तो हमको पहले जाने का है स्कूल के पास, तो पाली बुजुर्ग में आगे इधर एक स्कूल है, उधर जाने का है, उधर से हम लोग माउंटेन चढ़ना चालू कर देंगे, और मैं आपको बता दे रहूँगा कैसे जाना है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आज का राइड भी बहुत एडवेंचरस होने वाला है, पूरा ऑफ रोडिंग है, मतलब 50% ऑफ रोडिंग है, 50% ऑन रोड है राइड आज का। आज के राइड में भी बहुत चढ़ने का है अपने को ऊपर, तभी जाके अपने को अच्छा लोकेशन, अच्छी सीनरी मिलेगा, अच्छा सनसेट मिलेगा। अभी हमको अंदर जाने का है, वही स्कूल की वजह से अभी हमको लेफ्ट मारने का है,
लिफ्ट है और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, जैसे ही चालू हो जाता है तो बहुत ही डेंजर है ऑफ रोडिंग। वही रिजर्व पानी के वजह से पूरा रोड की वाट लग चुकी है। इसमें सबसे बड़ा टास्क तो ऊपर से नीचे आने में ये होने वाला है। ऊपर चढ़ना सिंपल है, नीचे आना बहुत डिफिकल्ट है। मैं हूँ सोलो तो अपने को कोई पकड़ने वाला भी नहीं है।
पूरे पहाड़ ऊपर हम लोग चढ़ सकते थे। अंधेरा हो गया तो मेरे को उतरने को वाट लग गया था मेरा, और अकेला हूँ आप देख रहे थे कैसे चढ़ रहा था मैं। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, माय नेम इज निखिल एंड यू ऑल आर वाचिंग NJ23। तो आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पे। तो ये जगह का नाम है नेवाली के ऊपर ही है, तो ऐसा कुछ लोकेशन है इधर का। और ये पूरा फॉग हो गया है, ये पूरा इधर से इधर तक पूरा फॉग हो चुका है। और सन कैसे दिख रहा है आप बता दीजिए एक बार। तो ISO कम किया है, तो एकदम ही अच्छा लोकेशन है और घूमने लायक है। तो रोड थोड़े इधर के ऑफ रोड, बहुत ही ऑफ रोड हो गया था आज, डेंजर हो गया था पूरा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके। और अभी टाइम हो रहा है 5:56, तो 5:15 को मैं घर से निकला था, आधा घंटा लग गया मुझे क्योंकि इधर ऑफ रोडिंग बहुत ही डेंजर है ये पैच में इधर से पूरा नीचे तक। तो जाते वक्त भी वाट लगने वाली है उतनी, जितना एक तो चढ़ने में सिंपल है लेकिन उतरने में बहुत डिफिकल्ट है। और आज जैकेट नहीं पहना है क्योंकि नियर बाय है मेरे घर से, लगभग 5 किलोमीटर रहेगा ये डिस्टेंस। और खांडा कॉलोनी से पनवेल, न्यू पनवेल से नेवाली, तो 5 किलोमीटर है, 3 to 5 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। और ऊपर से आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम, और साथ में ग्लव्स लाए हैं, खाली जैकेट नहीं लाया है। और अभी इधर थोड़ा देर रुकेंगे, टाइम लैप्सी पे रख दूंगा फ़ोन, क्लाइमेट इतना अच्छा है तो टाइम लैप्सी पे रखना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है पूरा गांव में आया हूँ, और बहुत ही अच्छा नेचर है इधर के, लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरी अभी गाड़ी फंस गई थी पीछे, तो एक ने पीछे से धक्का दिया इसके लिए निकली, और नसीब अच्छा है कि वो बाजू से चल रहे थे तीनों लोग, तो उन्होंने धक्का दिया बाइक को, नहीं तो फिर मैं आज इधर ही रुकने वाला था। क्योंकि सोलो राइड में कोई हमारे साथ नहीं होता है हेल्प करने के लिए, जो है खुद से ही। तो मेरा एक वीडियो था इको कार के मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो क्या रिस्पांस मिला उससे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी आज या कल वो 60 के क्रॉस करने वाला है, 60,000 व्यूज़। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो को। और अगर आपके पहचान में कोई कार या बाइक मॉडिफाइड हुई है तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, इधर लिंक आएगा ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आज से ऐसे 360 दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये, और वो पीछे का माउंटेन है उसके भी ऊपर हम लोग जा सकते हैं। और इधर से ही है रोड पीछे से वो माउंटेन के ऊपर जाने के लिए ऐसे, तो उधर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी अकेला हूँ तो मैं रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो खाली सनसेट का टाइम लैप्स ही निकलने के लिए आया था। और कैसे दिख रहा है पूरा, इधर पूरा जला दिया ये लोगों ने, तो इधर पूरा जला देते हैं, मतलब बारिश होने के बाद ठंडी बहुत बढ़ जाती है तो पहाड़ जलाना पड़ता है, और कभी कभी खुद से भी आग लग जाती है, तो ऐसा कुछ है। और क्या व्यू आ रहा है सामने, एक नंबर व्यू है। तो व्यू देखिए, और एक बार व्यू देखिए, ये जेट जा रहा है इधर से, आप देख सकते हैं कैसे जा रहा है आगे आगे। तो व्यू कैसा है बता दीजिए, फुल रेड है। तो इतना रेड और फुल सन मैंने आज तक नहीं देखा है, तो मतलब इधर आने के बाद ही दिखता है। और ऊपर, और अगर हम लोग इधर जाते हैं जूह चौपाटी या गिरगांव चौपाटी, तभी दिखता है ऐसा पूरा सर्कल में सन, क्योंकि हमेशा हम लोग बिल्डिंग्स में उगे रहते हैं तो उधर इतना सन पूरा नहीं दिखता है। और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि इधर कैसे आने का है। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मैं अकेला हूँ इधर आसपास, तो कोई नहीं। ऊपर एक गाँव है, इधर आप शेड देख सकते, ये इधर गाँव है छोटा सा, फिर बाद में ऊपर एक गाँव है,
तो इधर आइए, इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल नेचर है एकदम। तो अभी मेरे को मेन पर्पज था टाइम लैप्सी लगाते और पूरा अंधेरा पड़ने होने के पहले ही नीचे पहुँचते, क्योंकि इधर रास्ता दिखेगा नहीं, अपने लाइट्स है लेकिन रिक्स नहीं लेने का। अकेले आ रहे तो नीचे का कुछ दिखेगा नहीं, आगे का दिखेगा लेकिन नीचे पैर किधर रखेंगे। तो एक टाइम लैप्स लेते हैं और निकलते हैं नीचे। तो तो गाइस उधर आप मून देख सकते हैं, तो बिजली भी खड़क रही है, तो अभी हमको निकलना पड़ेगा। और आज है फुल मून डे और ईद मिलाद, तो फिर निकलते हैं, अंधेरा होने वाला है तो निकलते हैं जल्दी। तो गाइस मैंने लाइट लगा के रखी है और डर बहुत लग रहा है उतरने के लिए, तो अकेला हूँ और ऐसा लग रहा है कि वो पैराग्लाइडर का वीडियो था ना, वैसा फीलिंग आ रहा है। मैं हूँ जो इधर आया, मेरे पीछे का टायर हो चुका है पूरा टकला और डर लग रहा है इधर से उतरने के लिए, क्योंकि बाइक भी थोड़ी हाइटेड है और मैंने इसका सस्पेंशन ट्रैवल पिछले ही सर्विसिंग में बढ़ा दिया था, इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा है कि हाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो पैर नीचे टच होंगे तभी तो हम लोग ऑफ रोडिंग कर पाएंगे। अभी कल बड़ी गाड़ी लूँगा, आगे बड़ी गाड़ी लूँगा, तो बड़े गाड़ी का हाइट छोटा रहना चाहिए, तो फिर मैं गया मैं पूरा गया, क्योंकि मेरा हाइट है 5'3" और ये बाइक चलाने के लिए कंफर्टेबल हाइट होनी चाहिए, 5'7" तो भी होनी चाहिए। उसमें भी मैंने शॉक अब्जॉर्बर बढ़ा दिए है सस्पेंशन हाइट, वाट तो लगनी है, क्योंकि मैं स्पीड में आ रहा हूँ नीचे, कंट्रोल के बाहर नहीं जानी चाहिए खाली गाड़ी। ओ माय गॉड, पूरे पसीने छूट रहे, जैसे उतरने का ही बहुत डेंजर है। तो भाई सोलो राइड में मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। मुश्किल है भाई, मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा पत्थर और ये रोड ही नहीं है, फोन क्यों मार रहा है भगवान, टेंशन जैसे वैसे भी उतर नहीं सकते बैठ के, गलती क्या की इधर चलती। काम लगता है वो पत्थर मिलाना पड़ेगा और इधर से बहुत नीचे जाने का, रात का टाइम है इतने लेने का ही ज़्यादा,
शंकरा, मेरे पैर हवे में कैसे बैलेंस कर रहे हैं मेरे को मालूम है। अभी तक इतना उतरा हूँ और मेरे पूरे पसीने छूट चुके हैं और बहुत उतरने का है और अंधेरा भी हो रहा है। अपने पास लाइट है लेकिन रिस्क भी उतना ही है। ये रोड तो क्या अपना हमेशा का नहीं है तो इसके लिए डर भी उतना ही लग रहा है। शिट, पूरा अंधेरा पड़ने के पहले मेरे को उतरने का था, लेट ना हो जाए। खाली रोड को टच हो गया ना एक बार, बस हो गया। मैं कहाँ फंस गया रे बाबा, ये शॉर्ट राइड था, पूरा वाट लग गया शॉर्ट राइड में। ऐसे शॉर्ट राइड होते हैं क्या भाई, क्या हो गया मेरे साथ। इतना होल देखो कितने बड़े बड़े, होल देखो कितने बड़े बड़े। आई शपथ, पैर नहीं फिसलना चाहिए, पैर फिसलना नहीं चाहिए। इधर अगली बार से ग्रुप के साथ इधर आना चाहिए। हाँ भाई पहुंच गया फाइनल। हाँ एक नंबर, अभी अच्छे लग रहे। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, नीचे पहुंच गया। अरे बाबा पूरा वाट लग गया था ऊपर से, अभी मैं जा सकता है घर पे। ये तो आज ऊपर ही रहना पड़ता था अपने को, और ये लाइट नहीं होती ना तो आज तो ऊपर ही रहने का था, क्योंकि आज इधर ही ऊपर बस्ती में रहना पड़ता था मेरे को। लाइट बहुत ही मस्त है, मजबूत है। रिव्यू बहुत अच्छा है इस लाइट का। वीडियो भी मैंने बनाया है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, तो वो भी जाके देख लीजिए। बहुत ही अच्छी लाइट है, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कैसी दिख रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो वीडियो मैंने ऊपर ही एंड किया था, वो भी आप देख लीजिए। तो मिलते फिर अगले वीडियो में। तो मैंने ऊपर ही एंड किया था हिल के ऊपर, क्योंकि उधर सनलाइट आ रही थी थोड़ी सी। तो अभी अंधेरा हो चुका है इसके लिए देख लीजिए ऊपर ही, वीडियो मैंने एंड किया है। सो गाइस सनसेट हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। तो देर इज़ नो सन, एंड अगर पूरा वीडियो देख लिया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए NJ23 को। और मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून एंड बाय बाय।